कैसे भी सब लोग, मैं हरेंद्र भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई यहां पर जैसे कि आप लोगों को पता है थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल पर पूछे गए जो सवाल है मेरे भाई, वो टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो हमारा मेरे भाई यहाँ से टॉपिक रहेगा वो आपका टॉपिक बच्चे कौन सा, तो वैदिक सभ्यता और महाजनपद, मतलब वैदिक सभ्यता और महाजनपद पर अभी तक यूपी पुलिस ने जितने भी मेरे भाई सवाल पूछे तो सारे के सारे सवाल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे, अगर आपसे मैं यहाँ पर चर्चा करूं मेरे भाई तो कुल मात्र कितने सवाल पूछे यहाँ पर, अगर आपसे चर्चा करूं दोस्त यहाँ पर कितने सवाल है भैया। ठीक है, तो चार सवाल है बस जो यहाँ से पूछेंगे मेरे भाई, कितने, चार सवाल। लेकिन मुद्दा चार सवाल नहीं है मेरे भाई, मुद्दा यह है कि चारों के चारों सवाल हमें पता हो। तो हर एक टॉपिक में मैं बात नहीं करूंगा बाकी एग्जाम में, बात करूं सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सवाल पूछे गए उन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे, करते हैं बच्चे स्टार्ट। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहला सवाल आप सबके सामने यहाँ पर आ चुका है, सभी साथी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सवाल आपका मेरे भाई यहाँ से किसके बारे में चर्चा करता है। ठीक है दोस्त, हाँ जी भैया, हाँ जी बच्चा पार्टी स्टार्ट करें मेरे भाई। तो आप खुद से भी यहाँ पर सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, देखूंगा आप में से कितने सारे बच्चे यहाँ पर सवालों का सही जवाब मेरे भाई यहाँ पर दे पा रहे हैं। जैसा कि पहला सवाल आप सबके सामने आ चुका है, सभी साथी बताएंगे कि वैदिक सभ्यता है ना नदी के तट के किनारे विकसित हुई। अगर वैदिक सभ्यता के बारे में आपसे चर्चा करें तो आपको बताना है कि किस नदी के किनारे पर आपका विकसित हुई बच्चे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में रहने वाले जो निवासी होते हैं बच्चे उन्हें आर्य कहा गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं। आर्यों की अगर बात करें बच्चे यहाँ पर निवास स्थान को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद रहे, कहा जाता कि मूल निवास कुछ आल्प्स पर्वत के आल्प्स पर्वत पर कहा गया है। मैक्स मुलर की बात माने तो मेरे भाई उन्होंने कहा कि मध्य एशिया से जो आ रहे हैं वो मेरे भाई आए हुए हैं सबसे ज्यादा, हालांकि मैक्स मुलर का यही कथन आपका मेरे भाई माना जाता है। और पारसी धर्म की जो पवित्र पुस्तक है जेद अवेस्ता वो भी मेरे भाई इसी बात को यहाँ पर कहती है। अगर बात करें वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल की नदियों के बारे में तो कुछ नाम आपको यहाँ से पता होगा। ठीक है, इसके सवाल के राइट आंसर पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा, पहले आपको कुछ ऋग्वैदिक कालिक नदियों के बारे में थोड़ा सा यहाँ से जानकारी मेरे भाई यहाँ पर देता हूँ। जैसे अगर आपसे चर्चा करें कुछ एक नाम होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं मेरे भाई बात करूं तो वितस्ता नदी होती है बच्चे, कौन सा मेरे भाई, वितस्ता नदी होती है। तो वैदिक काल में वितस्ता को वितस्ता के नाम से नहीं जानते, झेलम के नाम से, सॉरी वैदिक काल में वितस्ता के नाम से जानते थे और आधुनिक काल में से झेलम के नाम से जानते हैं मेरे भाई, झेलम है ना, झेलम नदी के नाम से जानते हैं वितस्ता नदी को, अगर आपसे यहाँ पर चर्चा करें। ठीक है, ऐसे एक नदी होती थी विपासा, विपासा मतलब व्यास नदी को बोलते थे मेरे भाई। अगर आपसे चर्चा करें विपासा की, चर्चा करें विपासा कैसे, तो व्यास नदी को कहा जाता था विपासा। इसी तरीके से बात करें कौन सा, परुष्णी मतलब क्या हो जाता है आपका, रावी हो जाता है मेरे भाई। अगर आपसे चर्चा करें कौन सा, परुष्णी की बात करें, परुष्णी कौन सी नदी बच्चे, तो रावी नदी को ही परुष्णी कहा जाता था वैदिक काल में, अगर आपसे चर्चा करें। इसी तरीके से काबुल एक नदी बच्चे, कुंभा कहा जाता था, कुंभ्र कहा जाता था बच्चे, कुर्रम नदी को, सदा नीरा कहा जाता, सदा नीरा कहा जाता था कैसे बच्चे, सदा नीरा की अगर आपसे चर्चा करें बच्चे कैसे, तो गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता था किसमें, वैदिक काल में। तो वैसे ही कुछ और नदियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। जैसे अस्कनी किस नदी को कहा जाता था वैदिक काल में, सभी साथी यहाँ पर आप लोग चाहे तो मुझे कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। अस्कनी कहा जाता था दोस्त, किसे, चिनाब नदी को कहा जाता था दोस्त, याद रखिए चिनाब नदी को अस्कनी कहा जाता था। इसी तरीके से आप याद रखेंगे सतुद्री एक नदी होती थी बच्चे, कौन सी, सतुद्री, दोस्त नोट कर लेना यहाँ पर सतुद्री, क्या आप लोगों को ये सारी चीजें पता है, सतुद्री कैसे बोलते थे, सतलज नदी को कहा जाता था, उसके से सतलज नदी को सतुद्री कहा जाता था। इसी तरीके से गोमल कहा जाता था गोमती नदी को बच्चे, कैसे, गोमल कहा जाता था, किसे, गोमल कहा जाता था बच्चे, कैसे, गोमती नदी को यहाँ पर कहा जाता था। ये नदियों के कुछ पुराने नाम आपको मैंने यहाँ पर बता दिए। अब बात करेंगे मेरे भाई कि सबसे ज्यादा बार जिक्र किस नदी का यहाँ पर किया गया, समझ भी है, सर्वाधिक बार जिक्र अगर आपसे चर्चा करें मेरे भाई, अगर ऋग्वैदिक काल की आपसे मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे, किसकी, ऋग्वैदिक काल की अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं तो सर्वाधिक बार जो जिक्र किस नदी का मिला है दोस्त, यहां से पूछा जा सकता है सर्वाधिक बार जिक्र है ना, अगर आपसे यहां पर पूछा जाए सर्वाधिक बार जिक्र है ना, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक बार जिक्र किस नदी का किया गया है तो आप क्या जवाब यहाँ पर देने वाले, तो मुझे उम्मीद है सभी साथ यहाँ पर सही जवाब देंगे, कैसा, सिंधु नदी का यहाँ पर सबसे ज्यादा बार जिक्र किया गया, ये बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे चर्चा करें बच्चे, ये तो हो गया, यमुना नदी का कितनी बार जिक्र हुआ है, गंगा नदी का कितनी बार जिक्र हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मेरे भाई। अगर मैं आपसे किसकी बात करूं, अगर गंगा की बात करूं बच्चे, किसकी, गंगा की बात करूं, तो यहाँ पर याद रखेंगे कितनी बार जिक्र हुआ है। यमुना की बात करूं मेरे भाई, किसका, यमुना का जिक्र कौन कितनी बार हुआ है, ठीक है, तो गंगा का जिक्र कितनी बार हुआ मेरे भाई, याद रखेंगे दो बार हुआ है, ठीक है। यमुना की बात करें मेरे भाई, कितना, तीन बार किसका, यमुना का जिक्र हुआ बच्चे, याद रखने में भाई ये सारी बातें आपको जो यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। गंगा का कितनी बार,
आपका याद रखेंगे, दो बार यमुना का, तीन बार आपका यहाँ पर जिक्र हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी या सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? कोई मुझे जवाब देगा? सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे अगर महत्वपूर्ण नदी की बात में, सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात में मुझे तो किस नदी को माना जाता था? सभी साथी यहाँ पर जवाब देंगे। हाँ जी भैया, तो किसे याद रखें मुझे, किसे किसे माना गया, किसे? सरस्वती नदी को दोस्त, किसे? सरस्वती, है ना, सरस्वती नदी को यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नदी आपको यहाँ पर माना गया। अगर मैं आपसे इस सवाल के राइट आंसर पे आपसे बातचीत करूं मेरे भाई, तो यहाँ पर याद रखेंगे इस सवाल का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, तो सरस्वती ही आपके इस सवाल के यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, सरस्वती क्या हो जाएगा बच्चे, आपके इस सवाल के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझे बच्चे? हालांकि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वैदिक काल में एक क्षेत्र जिसे सप्त सिंधु कहा गया, तो सप्त सिंधु क्षेत्र बच्चे आप मुझे बताएंगे, तो सात नदियों के क्षेत्र जिसे सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया, जिसमें गंगा आती है, यमुना आती है, सिंधु आती है, सरस्वती आती है, गोदावरी आती है, नर्मदा आती है, कावेरी आती है, तो ये सब मेरे भाई सारी की सारी नदियां आप लोग यहां से याद रखेंगे। समझे भैया? ये सारी की सारी नदी मेरे भाई आप लोग यहां से सारी चीजों को याद रखेंगे। समझे दोस्त? बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहे हैं। हालांकि निवास स्थान को लेकर अगर आपसे बातचीत की जाए, सभी साथी नोट करते रहना दोस्त, कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि बच्चे कहां से, आर्कटिक क्षेत्र से आए। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि लोग बच्चे कहां से जो आ रहे हैं, कहां से, तिब्बत से आए हैं। इसी तरीके से बच्चे याद रखेंगे गंगानाथ जहां से कहा, ने कहा कि महर्षि देश के ही रहने वाले हैं। मैक्स मुलर ने कहा कि मध्य एशिया से आए हैं। समझ भैया? और गार्डन चाइल्ड ने दक्षिण रूस से कहा। अगर बात करें बच्चे रोड्स के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया से आपके ये आए हुए। समझे बच्चे? किसके बारे में बात करूं दोस्त, तो वैदिक काल के लोगों के बारे में यहां से आपसे मैं चर्चा करूं। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो कर्ज की जा सकते हैं, लेकिन आपके सवाल का राइट आंसर क्या है? तो ये पहला सवाल था जो पूछा गया था मेरे भाई, किसमें, आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जाने वाला पहला सवाल आपसे बात करूं मेरे भाई। और ये पूछा गया था कब? 27 जून 2019 को मेरे भाई ये सवाल पूछा गया था। पहले शिफ्ट में मैं आपको विद प्रूफ आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं मेरे भाई, कि कौन सा सवाल किस किस शिफ्ट में आपके यहाँ पर पूछा गया। अब बात करेंगे दोस्त दूसरे सवाल के बारे में, तो देखूंगा कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देंगे दूसरे सवाल का। समझे भैया? दूसरा सवाल दोस्त आपका यहाँ पर कहता है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। यहां से आपको बताना बच्चे, मगध की राजधानी बच्चे पाटलिपुत्र, मेरे भाई याद रखेंगे पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी कहां से, राजगृह से। तो दोस्त यहां से मैं ऑप्शन पढ़ता हूं, बिंबिसार, अशोक, चाणक्य, अजातशत्रु। यहां पर मैं ऑप्शन के बारे में अगर थोड़ा सा बात करूं मेरे भाई, तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा, है ना, मुझे लगता है कि एग्जामिनर ने इसका आंसर माना था शायद अजातशत्रु माना था, लेकिन इसका सही आंसर बच्चे जो हो जाएगा आपका उदयन हो जाएगा मेरे भाई। कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयन बच्चे क्या हो जाएगा? उदयन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बात आपको यहां से पता होना चाहिए। समझे भैया? उदयन क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब आपका यहां पर हो जाएगा। जैसे कि बात करूं बच्चे यहां से, तो सबसे पहले आपको पता हो बिंबिसार के बारे में। ठीक है मेरे भाई, तो बिंबिसार के बारे में अगर आपसे चर्चा करें दोस्त, बिंबिसार के बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें, तो किसके? हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं मेरे भाई। किसके? हर्यक वंश के, हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं दोस्त, हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं। बिंबिसार के बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें। इन्हें बिंबिसार पे एक सवाल पूछा जाता है कि बिंबिसार के राजवैद्य कौन थे, यानी बिंबिसार के राजवैद्य आपसे पूछा जाए, तो दोस्त याद रखेंगे राजवैद्य कौन है बिंबिसार के, तो जीवा किसके राजवैद्य है ये भी याद रखेंगे। अशोक जो कि मेरे भाई कैसे मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, मेरे भाई कैसे मौर्य साम्राज्य से आपका संबंधित है। अगर बात करें बच्चे उदयन के बारे में, तो बिंबिसार के बेटे होते हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटे होते हैं उदयन। ठीक है, और इसी बात को याद रखेंगे, इसी हरेक वंश को बच्चे क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है दोस्त, याद रखें इसी को क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश कहा जाता है दोस्त, ये भी आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भैया, इसी तरीके से मेरे भाई अगर आपसे मैं और चर्चा करूं, तो यहाँ पर मैंने बता दिया बच्चे उदयन भी किस चीज से, ये भी आपका हरेक वंश से ही है, है ना, ये भी बच्चे किससे? हरेक वंश से ही है। ठीक है, उसकी बात याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखेंगे अजातशत्रु के, है ना, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी, ये अजातशत्रु के बच्चे क्या है? उत्तराधिकारी है दोस्त, याद रखें क्या है? उत्तराधिकारी है, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी है, ये बात याद रखेंगे। मतलब अजातशत्रु ये अपने पिता की हत्या करने के बाद बच्चे क्या है? उदयन ने अपना साम्राज्य यहां पर मतलब कह सकते हैं कब्जा किया था। या आप यूं कह सकते हैं कि हर एक वंश को पितृहंता वंश इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि हर एक वंश के जितने भी शासक हैं सभी ने अपने पिता की हत्या करने के बाद ही अपना साम्राज्य मतलब कब्जा किया, मतलब इंतजार नहीं था इन्हें अगर आपसे चर्चा करें। हालांकि उदयन के बाद बच्चे उनके तीन पुत्र होते हैं, अनिरुद्ध होते हैं, है ना, मुंडक होते हैं, नागदशक होते हैं, ये क्रमवार आपका शासन करते हैं। ठीक है, और इन्हीं नागदशक की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। उसके बाद बच्चे शिशुनाग वंश की यहाँ पर नींव डाल दी जाती है, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। सवाल का राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? उदयन आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब दोस्त यहां से हो जाएगा। समझे भैया? चलिए दोस्त बात करते हैं मेरे भाई, हालांकि आप थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेते हैं, अगले सवाल पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। दो सवाल आपको मैंने बता दिए, दो आपके बचे हैं। अब बात करते हैं दोस्त इसमें
कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा की राजधानी बन गई थी। अब दोस्त यहां से मैं अगर मेरे भाई आपसे चर्चा करूं मथुरा की राजधानी को लेकर अगर आपसे बात की जाए तो सबको पता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर आपसे बात करें कुल मिला के 16 महाजनपद हुआ करते थे बच्चे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात को मेरे भाई यहां पर कहते हैं तो यहां पर 16 महाजनपद हुआ करते थे मेरे भाई। कितने? 16 महाजनपद हुआ करते थे, कुल 16 महाजनपद यहां पर होते थे। और इन कुल 16 महाजनपद में से एक सवाल मेरे भाई ये भी पूछा जाता है कि इसमें से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, यूपी में कितने महाजनपद थे, ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट यहां पर महत्वपूर्ण मेरे भाई हो सकता है। ठीक है, तो ये चाहे तो आप लोग लिख लेना। इनमें से 8 उत्तर प्रदेश में थे, इनमें से मैंने 8 कहां पर पूछे, 8 यूपी में थे ना, 8 यूपी में थे, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। समझे भैया? तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद बच्चे कहां से थे ये मैंने बता दिया, यूपी से। तो आप चाहे तो महाजनपदों के नाम भी लिख सकते हैं, मैं आपको है ना फिंगर टिप पे यहां पर बता सकता हूं बच्चे। एक आपका महाजनपद होता है बच्चे अंग होता है, मगध होता है, काशी होता है, कौशल होता है, वत्स होता है, चेदी होता है, कुरु होता है, पांचाल होता है, मत्स्य होता है, सूरसेन होता है, अस्मक होता है बच्चे, अवंती होता है, गांधार होता है, कंबोज होता है, वज्जी होता है। कुल मिला के ये 16 महाजनपद आपके यहां पर है। समझे भैया? कुल मिला के यहाँ पर मेरे भाई क्या है, ये सारे के सारे आपके यहाँ पर महाजनपद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर पूछा गया कि मथुरा किसकी राजधानी थी। देखता हूं आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देते हैं मेरे भाई कि मथुरा जो है ये किसकी राजधानी हुआ करती थी। देखता हूँ भैया सारे के सारे बच्चे यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करें दोस्त, क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर बाई चांस। हाँ जी भैया, अगर आपसे चर्चा करें महाजनपदों में बच्चे, मैंने आप बता दिया महाजनपदों की पूरी जानकारी बच्चे मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की भैया कि कौन कौन सा आपके यहाँ पर महाजनपद होगा। ठीक है, तो आप लोग पहले तो थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि कौन कौन से महाजनपद कहां कहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अंग की राजधानी बच्चे कहां पर भागलपुर होती थी, वाराणसी काशी की राजधानी हुआ करती थी, इलाहाबाद या मिर्जापुर की बात करें बच्चे कहां किसकी राजधानी होती थी मेरे भाई, तो याद रखेंगे दोस्त इलाहाबाद या मिर्जापुर किसकी राजधानी, इलाहाबाद मिर्जापुर वत्स की राजधानी। चेदी की राजधानी बच्चे क्या होती थी, बुंदेलखंड होती थी बच्चे, बुंदेलखंड आपकी राजधानी होती थी। कुरु की राजधानी दिल्ली मेरठ के आसपास के क्षेत्र में हरियाणा, जिसे आप थानेश्वर भी कहा जाता है, थानेश्वर वाला क्षेत्र बोल सकते हैं। पांचाल की राजधानी आपसे चर्चा करें मेरे भाई, पांचाल की आपका पीलीभीत बदायूं वाला जो क्षेत्र है रुहेलखंड जैसे आप बोलते हैं। मत्स्य की राजधानी बच्चे आपका जयपुर भरतपुर वाला क्षेत्र जो है, अलवर वाला क्षेत्र, वो आपका मत्स्य की राजधानी, मत्स्य वो क्षेत्र होता था। सूरसेन आपका ब्रज का क्षेत्र होता था, मतलब बात करेंगे मेरे भाई क्या क्या होगा, सूरसेन ही आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या है, सूरसेन ही आपके सवाल के यहाँ पर सही जवाब होगा बच्चे, जो ब्रज वाला क्षेत्र है बच्चे। सूरसेन आपके सवाल के यहाँ पर क्या है, राइट आंसर, जो ब्रज वाला क्षेत्र है ना, ब्रज मंडल का क्षेत्र बच्चे, यही आपका सूरसेन यहाँ पर कहलाया, तो ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। समझे दोस्त? बात करेंगे मेरे भाई अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ये कुछ महत्व अच्छा यहाँ पर महाजनपदों के बारे में आपको ये सारी चीजें आपको बताई। ठीक है, इन सब चीजों को मेरे भाई नोट करते रहना सभी साथी है ना, जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ा सा यहाँ पर मजा नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, बात करेंगे मेरे भाई कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। अगर मगध साम्राज्य के अंतिम शासक के बारे में दोस्त यहां से आपसे चर्चा की जाए तो सभी साथी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर कुछ मगध साम्राज्य के शासकों के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण सी चीजें कुछ लिखी हुई हैं। जैसे कि बात करें मेरे भाई कौन सा सबसे पहला जो वंश होता है, कौन सा, बृहदत्त वंश होता है, फिर आपका हर्यक वंश होता है, फिर आपका शिशुनाग वंश होता है, फिर आपका नंद वंश होता है। हालांकि वंश तो इसके बाद भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, नंद वंश की बात करें बच्चे। ठीक है, तो इसमें से अगर मेरे भाई बात करें, इसमें से बात करें तो नंद वंश यहाँ पर क्या होता है आपका अंतिम वंश आप यहाँ पर मान लेते हैं। नंद वंश एक तरीके से अंतिम वंश आप यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने के बाद बचे आपका मौर्य साम्राज्य। हालांकि मौर्य साम्राज्य ने भी यहाँ पर शासन किया, लेकिन मैं अगर इसके ऑप्शंस के अनुसार जाऊं तो ये तीनों के तीनों बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये तो मेरे भाई किससे, हर्यक वंश से। अगर इन सब के बारे में आपसे चर्चा करूं दोस्त, ये किस चीज से, हर्यक वंश से मेरे भाई किससे, ये आपका हर्यक वंश से। समझ में इतनी बात। लेकिन यहां पर अगर आपसे चर्चा करें मेरे भाई कालाशोक के बारे में, तो कालाशोक किस वंश के शासक हैं सभी साथी मुझे बताइए। और हालांकि यहां से दो चीज आपसे पूछी जा सकती है। हाँ जी मेरे भाई, अगर आपसे चर्चा करें यहाँ पर आप लोगों से मेरे भाई अगर बातचीत करें तो कालाशोक जो है इसके बारे में आपको बताना भैया कौन से वंश से आपके कालाशोक हैं। देखता हूँ कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब दे रहे भैया, जल्दी जल्दी बताइए बच्चे किसके बारे में बात करें। हाँ जी भैया, तो यहाँ पर बात करेंगे आपके सवाल देखे बच्चे, तो कालाशोक कैसे नंद वंश से। देखो ये अंतिम वंश तो है नहीं, ये ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर हो सकता है, ये ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर हो सकता है, ये बात आप थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। कुल मिला के बात करेंगे इसमें से जो राइट आंसर हम मान सकते हैं कालाशोक को आपके यहाँ पर सही जवाब मान सकते हैं, इसमें से अगर आपसे बातचीत की जाए तो। ठीक है भैया, तो किस चीज से, नंद वंश से है, इसमें कोई दो राय नहीं। नंद वंश में मैंने आपको बताया बच्चे, नंद वंश के अगर मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहीं पर मैंने आपको लिखवाया था बच्चे, क्या है ना यहाँ पर लिखवाया था बच्चे, अच्छा यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है नंद वंश के बच्चे जो पहला शासक होता है
नंद वंश का मेरे भाई जो पहला शासक होता है महापदानंद होता है और अंतिम शासक घनानंद होता है, और इसी घनानंद की जो हत्या की थी मेरे भाई किसके द्वारा की गई थी, इसी घनानंद की मेरे भाई जो यहाँ पर हत्या की जाती है किसके द्वारा की जाती है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इस घनानंद की हत्या किसने की थी। आज का जो आपका होमवर्क रहेगा मेरे भाई यही सवाल रहेगा कि घनानंद की जो हत्या है वो किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा इसकी हत्या की जाती है, ये आपका यहाँ पर सवाल होगा। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे भाई इसी तरीके से आपके टॉपिक वाइज सवाल जिस जिस टॉपिक पर जो जो सवाल एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर पूछे गए हर एक टॉपिक वाइज में आप यूपी पुलिस सिर्फ यूपी पुलिस की बात करो दोस्त सारे के सारे सवाल मैं आपको यहाँ पर बताता रहूंगा। और एक और जानकारी आपको यहाँ पर थोड़ी सी देनी दोस्त, एक और जानकारी आपको यहाँ पर थोड़ी सी देनी कि जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस की अगर परीक्षा की बात करें दोस्त, अगर यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की मेरे भाई अगर आपसे यहाँ पर मैं चर्चा करूं तो आपके लिए यूट्यूब पर हम फ्री क्लासेस भी चला रहे हैं, है ना। ये तो जैसे मान लेते हैं आपकी रिकॉर्डेड वीडियो के तौर पर आपको मिली हुई है, लेकिन बात करें मेरे भाई जैसे मान लेते हैं करंट अफेयर्स की जो क्लास है बच्चे संजीव सर लेकर आते हैं सुबह 6 बजे बच्चे करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, ठीक है। 8 बजे मेरे भाई अगर आपसे चर्चा करें रीजनिंग की जो क्लास चलती है मेरे भाई सुबह पर 8 बजे आपकी क्लास चलती है सुबह 8 बजे, ठीक है भैया। रीजनिंग के बाद बच्चे जीके जीएस की क्लास चलती है और जीके जीएस मैं खुद पढ़ाता हूं मेरे भाई सुबह 9 बजे, ठीक है सुबह 9 बजे टाइम आप लोग अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेना। रोजाना आपको बेहतरीन से जैसा आपका पेपर आता है उसी को आधार बनाकर यहाँ पर सवाल मेरे भाई यहाँ पर कराता हूँ। इसके बाद बच्चे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है किस चीज की, मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाती है जो कि किस समय पर सुबह 10 बजे क्लास होती है। इसी तरीके से सुबह 11 बजे बच्चे किस चीज की हिंदी की क्लास यहाँ पर होती है दोस्त, हिंदी की क्लास सुबह 11 बजे हो जाती है। तो ये 5 घंटे का आपका समय है, 5 घंटे को आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है, और इसी समय पर आपकी सारी क्लासेज आपको देखने को मिलेगी। बच्चे आज के लिए यहीं पर विदा लेता हूं, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कल फिर मिलेंगे मेरे भाई शानदार से सेशन में, ठीक है। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय दोस्तों। Thank you.